एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। सासू माँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं माँ से मिलने नहीं गई। क्या मैं अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाऊँ? माँ जी, कालू जी भी अभी काम पर गए हैं। अच्छा अच्छा, चली जाओ, रोज रोज ड्रामे करती रहती हो। माँ के घर चली जाऊँ? माँ के घर मैके को छोड़ क्यों नहीं देती तुम लोग लड़कियाँ? जब ब्याही जाती हो तो पीछे से छोड़ कर आया करो सब कुछ। यहाँ की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? इसलिए तो बहू लेकर आई हूँ, ताकि जिम्मेदारी घर के संभाले और तुम्हारे चौंचरे ही नहीं खत्म। ऐसे ही रानो बिचारी अपनी माँ के पास जाती है। माँ जी, अब मिल लिया है तो बताइए। माँ, इतनी दूर से आपसे मिलने आई थी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। पूरे 2 महीने के बाद आ रही हूँ, लेकिन सासू माँ तो कहती है रोज रोज के चूंचले हैं माँ के घर जाने के। आप सुनाइए बेटी। क्या सुनाऊँ, आजकल मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। आंबों का बाग है, वो भी मुझसे नहीं संभलता। तुम ही रख लो बेटी वो आंबों का बाग, आ जाओ दिखाऊँ। ये है मेरी बेटी, ये बाग, मैं तो इसकी बहुत हिफाजत करती थी। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब हिफाजत नहीं होती। अपनी सास के लिए भी कुछ आंब लेती रहो, और ये आज के बाद तुम रख लो आंब के पेड़। बेटा, मैं क्या करूँगी, बस कुछ बेच कर गुजारा होता है। पंछी खुद तोड़ कर ले जाते हैं और पैसे दे जाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं अपनी माँ सास के लिए जरूर लेकर जाऊंगी, उन्हें आंब बहुत पसंद हैं। वो मन लगा कर इन आंबों को खाएंगी। माँ जी, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ कुछ फ्रूट लेकर। ऐसे ही रानो कुछ फ्रूट लेकर आती है। माँ जी, ये फ्रूट मेरी माँ ने भेजे हैं सिर्फ आपके लिए, आपको तो फ्रूट बहुत पसंद है। कालू जी हर समय लेकर आते हैं आपके लिए। हाँ माँ जी, बस बस कर दो, तुम्हारी गरीब माँ के फ्रूट कौन खाएगा। वैसे भी हाथ में ये आम तो मिलते हैं, शहर में नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारी गरीब माँ का आम बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ऐसे ही रानो बहुत परेशान थी। अगले दिन उसकी सास आए, मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ बुलबुल दीदी को बुला कर लाओ। बुलबुल दीदी, मेरी सास के पेट में दर्द है, जल्दी चलें। ये सास मेरी कब से कह रही है उनके पेट में दर्द है, आप देखकर बताइए क्या हुआ मेरी सासू माँ को। देखिए, इनके पेट में दर्द तभी ठीक होगा जब आप इन्हें फ्रूट में केला और आम खिलाएंगी, तभी ठीक होगा। बहू, मुझे थोड़ा सा खिला दो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में, मैं तो आज के आज ही मर जाऊंगी। आए, मुझे खिला दो, वही आप ही खिला दो, बहुत भूख लग रही है, कोई भी खाना अंदर नहीं जा रहा। बहू, हाय हाय, मेरे पेट में दर्द, ये तो मुझे जीने ही नहीं देगा। जल्दी से कोई ताज़ा फल तोड़ आओ बहू, ये पुराना मेरे पेट। ऐसे ही रानो जाती है और ताज़ा फल लेकर आती है। सासू माँ, खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे ही रोज रानो फल ले आती और अपनी सासू माँ को खिलाती। बेटा, तुम्हारे फल के कारण मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें रोकती टोकती थी, आज के बाद तुम मेरी बेटी हो। बेटी, मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ। माँ, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे माफ कर दिया, इससे बड़ी कौन सी बात है। आज के बाद माँ बेटी हमेशा खुश रहेंगे, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही रानो अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो गरीब थी, उसकी एक बेटी थी पिंकी, वो बकरियों से बहुत प्यार करती थी। रानो चिड़िया घर घर में जाकर बकरियों का दूध बेचा करती थी। बेटा पिंकी, हर टाइम खेलती रहती हो बेटा, कोई काम काज भी कर लिया करो, सारा दिन इस बकरी के साथ खेलती रहती हो मेरी बेटी, कोई और काम भी कर लिया करो बेटा, बड़ी हो गई हो। माँ,
मुझे बकरी के साथ खेलना बहुत पसंद है, इसलिए माँ मैं खेलती हूँ। इधर कालू कौवा जा रहा था, वो पिंकी को देख लेता है और उसी वक्त उसे मोहब्बत हो जाती है। माँ, मैं आज गांव गया था, वहाँ पर एक पिंकी नाम की चिड़िया थी, बहुत खूबसूरत है माँ। मैं शादी करूँगा तो उसी से शादी करूँगा माँ, मैं उसे अब पसंद करने लग गया हूँ। बेटा, वो गांव की अनपढ़ जाहिल लड़की से शादी करोगे क्या तुम? यहाँ शहर में मर गई है क्या कोई चिड़िया? चलो तुम्हारे कहने पर जाती हूँ। ऐसे ही गोरी जाती है और पिंकी की माँ से बात करती है रिश्ते की, और पिंकी भी मान जाती है शादी के लिए। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। पिंकी अपने साथ बकरी को भी ले आती है। अरे बहू, क्या जरूरत थी, ये मेरी बहू है। अरे ये तो गांव की लग रही है, क्या तुमने अपने बेटे के लिए गांव की बहू ली? हाँ, मेरे बेटे को पसंद थी तो इसलिए इससे ब्याह कराए। दहेज में बकरी लेकर आई है। हाय, कौन लेकर आता है? ऐसे ही पिंकी बकरी से बहुत मोहब्बत करती। देखो आज मेरी बहू बाहर गई हुई है। हाय, कब तक आएगी आपकी बहू? वैसे कब से इंतजार कर रही हूँ। इधर जो है पिंकी अपनी बकरी का घास लेकर आती है। माँ जी, मैं आ गई हूँ, बकरी का घास लेने गई थी। अरे तुम्हारी बहू तो पूरी गवार की गवार है, ये तो सारा दिन बकरियों का घास करती रहती है। तुम तो बहुत अच्छी खासी अमीर हो, फिर तुम्हें क्या जरूरत है गोरी बहन बकरियां पालने की? नहीं नहीं बुलबुल दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। कालू बेटा, आज तो तुम्हारी बीवी ने मेरी नाक ही कटा दी। मेरी सहेलियां मुझे ताने देकर गई हैं कि तुम्हारी बहू बकरियां पालती हैं। इसे कहो ले जाए यहाँ से। माँ, बकरियां पालना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पिंकी जी से कहूँगा, वो अपनी माँ के पास छोड़ कर आएगी बकरी को। यही अगले दिन गोरी जा रही थी कि उसका पाँव फिसलने की वजह से चोट लग जाती है। देखो इसे बकरी का दूध पिलाना होगा, बकरी का दूध पिएगी तो जल्दी इनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, इन्हें मोच आ गई है। ऐसे ही पिंकी अपनी दूध बकरी का दूध निकालती। बकरी, आज तो तुमने अच्छा खासा दूध दिया है, चलो मैं माँ जी को दूध पिला देती हूँ। माँ जी दूध पी लीजिए, माँ जी बकरी का दूध है, डॉक्टर ने कहा है। ऐसे ही अगले दिन, बेटी मुझे माफ कर दो, इस बकरी के दूध की वजह से मेरी तबीयत ठीक हुई है और मैं कह रही थी कि इसे तुम अपनी माँ के पास छोड़ाओ, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ जी आप मेरी बकरी से मान गई, मैं अपनी बकरी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती थी, आपका शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही गोरी मान जाती है और पिंकी और गोरी खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब